Hello friends, welcome to my channel Environmental Sciences. Today we will discuss about the interaction of the species. कि different species आपस में interact कैसे करती हैं और रहती कैसे हैं. इसके अंदर हम पढ़ेंगे intraspecific interactions. और इसके अंदर intraspecific सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है जो organisms है nature के अंदर alone नहीं रह सकता. ठीक है, वो बहुत से कम हैं जो न्यूट्रलिज्म के फेस में रहते हैं. न्यूट्रलिज्म मीन के अकेले रहते हैं ना, उनको दूसरी स्पीशीज से फ़र्क पड़ता है, कोई जिए मरे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में म्यूचुअलिज्म मीन के एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रहते हैं. इसके अंदर हम पढ़े इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस. अब इसके अंदर पॉजिटिव इंट्रैक्शन भी है और नेगेटिव इंट्रैक्शन भी है. आज के लिए हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंट्रैक्शन कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को किस तरह फ़ायदा पहुंचाती है, किस तरह वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म या कॉमनचिज्म के तौर पे रहते हैं. इनके साथ पॉजिटिव इंट्रैक्शन पॉपुलेशन हेल्प्स वन अनदर, वो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं. एंड आइदर बोथ, अब दोनों के अंदर दोनों के तो दोनों को फ़ायदा हो सकता है, या एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है. इट नॉट बी बेनिफिशियल एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, डिसएडवांटेजेस, दिस बेनिफिट मे बी रिकॉर्डिंग एज फूड शेल्टर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट, अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है. ये फ़ायदा उसे फूड लेके दे के ट्रांसपोर्ट. अब जो म्यूचुअलिज्म है ये ऑब्लिगेटरी दोनों स्पीशीज़ के लिए फ़ायदेमंद है. इसके अंदर दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट उठाती हैं. इनकेस बोथ स्पीशीज़ जो होती हैं ड्राइव बेनिफिट्स एंड देयर एग्जिस्टेंस इन क्लोज एंड परमानेंट होती हैं. ऑब्लिगेटरी कॉन्टैक्ट विद इज मोर और लेस एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल फॉर द ईच अदर. अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हनी बी और दूसरे प्लांट्स हैं वो पौधों से नेक्टर उठाती हैं, नेक्टर लेती हैं, बदले में उनको क्या देती हैं, प्रोवाइड देती हैं उनको पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं. मीन के जो कलरफुल पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, फिर बीज आती हैं और दूसरे इंसेक्ट्स आते हैं वहाँ से नेक्टर से अपना रस निकालती हैं, नेक्टर निकाल लेती हैं और बदले में उनके साथ उनकी बैक के साथ उनके फर के साथ उसके पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर्स पे जाती हैं और वो उसको वहाँ पे छिड़का देती है. इसका मतलब यह दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदेमंद हुआ, एक को फूड मिल गई दूसरे को पॉलिनेशन मिल गई. ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं और बाज़ का ऐसा होता है फूड डिस्पर्सल या सीड डिस्पर्सल की अगर हम बात करें. ठीक है, एक प्लांट जैसे मैंगोज है, उन्होंने सीड दिए, ठीक है, मैंगोज बना दिए. अब मैंगो का जो जो गुदा है, ठीक है, उसका फ़ायदा किसको होगा, एनिमल्स को होगा, ह्यूमंस को होगा. वो तो खा रहे हैं जो सीड होगा और उसको कहीं ना कहीं डिस्पर्स कर देंगे, उनको फेंक देंगे, उनकी स्पीशीज बढ़ जाएगी. बाद ऐसा होता है प्लांट्स जो दूसरे एनिमल्स होते हैं मैमल्स होते हैं वो उस फ्रूट को खा लेते हैं, खाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उनका सीड होता है वो अनअफेक्टेड होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फेसिस के थ्रू बाहर आ जाता है और फिर अपने फेवरेबल कंडीशन के साथ अपना न्यू प्लांट बना देता है, जिससे क्या होता है कि उनकी सीड डिस्पर्सल हो जाती है. अब सीड डिस्पर्सल भी दो तीन वाया एनिमल होता है, वाइंड होता है, और फिर सेल्फ डिस्पर्सल भी प्लांट कुछ लोग कुछ प्लांट्स करते हैं. सेल्फ डिस्पर्सल का मतलब ये है अपने सीड के ऊपर फर निकलना निकाल देते हैं और फिर वो फर वाइंड के थ्रू उड़ते हुए कहीं भी जाके सूटेबल प्लांट्स पर लगते हैं, सूटेबल जगह पर जाके गिरते हैं जब उनको कंडीशन मिलती है और वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. और कुछ एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ जाती हैं लाइकेंस की. आपको पता है लाइकन्स जो है इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म. अब इसके अंदर एल्जी और फंजाई दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट उठाते हैं. ठीक है, दिस इज एन क्लोज एसोसिएशन ऑफ द फंगस एंड द एल्जी कॉन्टैक्ट इन द परमानेंट एज एन ऑब्लिगेट. मीन के यूँ है ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, इस वजह से जो इनका कॉन्टैक्ट है वो लाजमी 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 है. अब जो एल्जी है, ठीक है, द फंगस मेक्स अवेलेबल द मॉइस्चर एंड मिनरल्स टू द एल्जी. फंगस क्या करता है, उसको मॉइस्चर और मिनरल्स निकाल के देता है रूट्स ज़मीन से, क्योंकि उसके पास रूट्स होती हैं जिनको हम हाइफी बोलते हैं. ठीक है, और एल्जी क्या करता है, एल्जी फोटोसिंथेटिक होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करता है और वो फूड दोनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है. मीन के एल्जी का काम है उसने खुराक तैयार करनी है और खुराक तैयार करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट जो है जैसे वाटर है, ठीक है, और मिनरल्स हैं वो उसको ज़मीन से कौन ला के देता है, एल्जी सॉरी फंगस ला के देता है. इस तरह दोनों का म्यूचुअलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. अब जो थर्ड एग्जाम्पल है इसके अंदर वो इसके अंदर आ जाती है सिम्बायोटिक फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन की आ जाती है. अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली एग्जाम्पल मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल में भी दे चुका हूँ, वो आप जाके
प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लें। माइकोराइजी है, इन माइकोराइजल एसोसिएशन ट्री रूट्स बिकम इन्फेस्टेड विद द फंगल हाइफे। अब इसके अंदर ट्री के जो रूट्स होती हैं वो फंगल हाइफे के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। द फंगस ड्राइव्स द फूड फ्रॉम द ट्री रूट। फंगस क्या कहता है, अपनी जो खुराक होता है वो, क्योंकि फंजाई जो है वो डाइजेस्टिव है, ठीक है, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, इसीलिए वो एल्जी के साथ एसोसिएशन करता है जिसको हम लाइकन्स बोलते हैं। एल्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड तैयार करता है और वो फंगस उसको क्या देता है, ज़मीन से वाटर और फिर मॉइस्चर और फिर न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब करके देता है, जिसके बदले में एल्जी उसको खुराक देता है। इसी तरह वो प्लांट्स के साथ लग जाता है जिसको हम माइकोराइजी बोलते हैं। माइकोराइजी क्या करता है, वो वही सेम एल्जी ने क्या करना है, फंजी ने क्या करना है, उसके न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ज़मीन से निकाल के देना और बदले में उसे खुराक लेनी है और शेल्टर लेना है। लाइक द रूट एयर स्ट्रीज, माइक्रोराइजिंग मे बी ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट्स, इन साइड बिटवीन द सेल्स ऑफ द रूट्स। मेनली ये एक्टोट्रॉफिक भी हो सकती है और एंडोट्रॉफिक भी हो सकती है। उसके बाद है दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास कॉमेंचल्सम। कॉमेंचल्सम का मतलब ये है, अब इसके अंदर दो स्पीशीज एक साथ रह तो रही हैं लेकिन एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। कॉमेंचल्सम डिफेंस को एक्शन इन विच द टू और मोर स्पीशीज आर एसोसिएटेड वन स्पीशीज एट लीस्ट द ड्राइव बिटवीन फ्रॉम द एसोसिएशन वाइल द अदर एसोसिएशन इज नेदर बेनिफिटेड नॉट बी हार्म्ड। सम कॉमन एग्जाम्पल्स म्यूचुअलिज्म, दिस इज फॉर एग्जाम्पल लियानाज है। अब इसके अंदर एक स्पीशी, एक फिश का नाम है, ठीक है, वो छोटी मछली और शार्क के साथ हमेशा ऐसे साथ रहती है। इसका मतलब जब भी शार्क शिकार करेगी उसके जो छोटे मोटे जो टुकड़े होंगे वो ले लेगी, छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे वो छोटी मछली ले लेगी और जो बड़े तो शार्क ने खा ही लिए। तो इसका मतलब शार्क को तो कोई फ़ायदा नहीं है उस छोटी मछली का होने का, लेकिन छोटी मछली को फ़ायदा क्या है जब शार्क शिकार करते हैं बदले में उसको भी मिल जाता है, ठीक है। बाज और दूसरी एग्जाम्पल है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स आर द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द अदर प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगते हैं। दे यूज अदर प्लांट्स ओनली फॉर द स्पोर्ट, मीन कि इसके अंदर वुडी, इनके अंदर वुडी कुछ नहीं होता है, ये हार्ड कुछ नहीं होता, ये खुद नहीं चढ़ सकते दूसरे प्लांट के ऊपर, ये एज अ बेल के तौर पर चढ़ते हैं। स्पोर्ट एंड नॉट फॉर वाटर फॉर द सप्लाई, इनका वाटर और फूड सप्लाई तो खुद अपना होता है लेकिन ये इसलिए चढ़ते ताकि सूरज को जाके इनको अच्छे से रोशनी मिल सके। दे ग्रो मे ऑन ट्रीज, शर्ब्स, लार्जर सबमर्ज प्लांट्स। दे ग्रो आइदर ऑन द ट्रंक्स और लीव्स, ठीक है, तने पे भी हो सकते हैं या फिर पत्ते पे भी हो सकते हैं। सर्टेन कॉमन एग्जांपल्स क्या है, एपीफाइट्स के लिए ऑर्चिड्स है, ठीक है, और हैंगिंग मॉसेस है। एपीफाइट्स आर द मोस्ट कॉमन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। दे ड्राइव देयर सप्लाई मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंट रेन्स एंड रब्स। मीन के जो रेन फॉरेस्ट जंगलात के अंदर पाए जाते हैं अभी मोस्टली अपनी जो पानी की जो ज़रूरत है वो हवा से पूरी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है। कॉमेंट चोसम नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इसके जो नेगेटिव इंट्रैक्शन है उसको पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर